शहीदों की शहादत पर सियासत करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं है? नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत। मैं सुरेश बोध, हम भारत के लोग, इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। और जो भारतीय मीडिया, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया समझते हैं, जिसे आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझते हैं, जिसके कारण देश में एक जनमत तैयार होता है और उस जनमत के माध्यम से लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, लोकतंत्र का जब महापर्व आता है, तो हम उसी जनमत तैयार हुए, उसी मैंडेट जो बना है उसके माध्यम से अपनी सरकार चुनते हैं, देश की सरकार चुनते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस मीडिया को आज ही खरीदा गया है या 2014 में खरीदा गया है या 2014 के पहले नहीं खरीदा गया था, लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जब दिल्ली के रामलीला मैदान हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो या रामदेव बाबा का आंदोलन हो, केजरीवाल का जो आंदोलन दिल्ली की सड़कों पे चला, उसे आप बताइए मुझे, वो 24 घंटे आप मीडिया चैनलों पे देखते थे या नहीं देखते थे? जन लोकपाल बिल के बारे में आपको इसी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली जब दिल्ली के अंदर में आंदोलन होते थे। तो ये किसी एक राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करेंगे, ये आप कैसे समझ सकते हैं? या आपको जो खबरें बताएंगे वो खबरें इनकी कैसी होगी, पक्षपाती होगी या नहीं होगी, वो खबरें बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली होगी या नहीं होगी, वो खबरें बताएंगे जो झूठी हो, जिससे बीजेपी को फायदा हो, वो ऐसा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप खुद सोचिए दो मिनट के लिए। जबकि जो साक्षी महाराज है, बीजेपी के सांसद हैं, साक्षी महाराज को देखा होगा ना आप लोगों ने, दाढ़ी वाले एक बाबा, और गेरुआ वस्त्र भी धारण करते हैं। गेरुआ वस्त्र का मतलब भाजपा के लोग बताएंगे क्या हमें, या आरएसएस के लोग बताना चाहेंगे क्या उसका मतलब क्या होता है? उस वस्त्र को पहन के वो अमर्यादित अपना आचरण करते हैं। मैं तो कहूं ऐसा आचरण करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है, यदि मैं उस भीड़ में होता, मैं उस भीड़ से आग्रह करता कि इस नेता को उस गाड़ी से उतारिए और बोलिए, यदि हंसना है जाओ टीवी देखो या जाओ पाकिस्तानियों के साथ बैठो। मैं आज बोल रहा हूं, आप लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं? कभी आप इन जैसे नेताओं के लिए क्यों नहीं बोलते? जो बीजेपी का नेता गलत आचरण करता, गलत बयानबाजी करता है, तो आप उसके लिए चुप रहते हैं? यदि किसी राजनीतिक दल के, दूसरे राजनीतिक दल के नेता ने कुछ कह दिया, तो आप उसके बयान को आधा बताते हैं, पूरा नहीं बताते, और हाय तोबा मचाते हैं। जो मेन मुद्दा है कि आतंकवादियों ने या आतंकी ने हमारे देश के जवानों को शहीद किया, उसका हल क्या है, उसका बदला कैसे लिया जाना चाहिए, तो आप विपक्षी पार्टियों पर हमला कर रहे हैं या देश को बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी गद्दार देश की जो राजनीतिक दल है वो गद्दार है? इसका मतलब आप 2019 का जो चुनाव है, आम चुनाव, उसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी जो श्रद्धांजलि उन्हें देना चाहिए, मैं तो कहता हूं आप उन्हें श्रद्धांजलि देने का ढोंग कर रहे हैं। आप जो है उनकी शहादत पे सियासत कर रहे हैं और इसका मोहरा बन रहा है कौन? भारतीय मीडिया। मैं आज इसी मीडिया से एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश का यही मीडिया, आपको याद है जब नोटबंदी हुई थी तो क्या कहता था कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, नक्सलियों की कमर टूट जाएगी, कहता था। यही मीडिया यह भी कहता था कि 1000 की जो नोट है, 2000 की जो नोट है और 500 का जो नया नोट आया उसमें एक चिप लगी है, बताता था कि नहीं आपको ये मीडिया? जी न्यूज और बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं, आज तक और एबीपी न्यूज, सारे न्यूजों का नाम, सारे लोग तो यही काम कर रहे थे उस समय।
कि उसमें चिप लगा है, कोई तो दिखाएगा मुझे कहाँ चिप लगा है। और ये लोग उस समय, इसका मतलब ये लोग इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की उस निर्णय का समर्थन कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे। और वो जो बात कर रहे थे कितनी झूठी बात है, जो जेएनयू की बात ले दे के बीजेपी के लोग आज कर रहे हैं कि जेएनयू जो है, जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे थे। आज लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक जिन लोगों ने नारे लगाए वो कहाँ हैं, इसका जवाब नहीं देते आप लोग। एक दो चैनल ऐसे बन गए कि वहां जो एंकर ऐसा बैठे रहते भाई साहब, जो महिला ऐसी बैठी रहती एंकर, नाम है रिपब्लिक भारत, नाम क्या है रिपब्लिक भारत चैनल का, और उसके जो मालिक हैं वो बीजेपी समर्थित सांसद हैं राज्यसभा में, आपको बता दूं। और उन्होंने अपने एंकरों को बोल दिया है कि आप बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए टीवी रूम में या जो न्यूज रूम में उसमें बैठकर कैसा एटीट्यूड करना वैसा करो, और वैसा करते हैं। दोस्तों ये लोग देश में एक गलत माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में हमारा जो देश का जो नौजवान है, जो युवा है, जो देश का भविष्य है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो युवा बहक रहा है। मैं बात निराधार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो सड़कों पे आज देखने को मिल रहा हिंसा, अरे इसी तुम प्रदर्शन कर रहे हो तो आग लगाने की क्या जरूरत है गाड़ियों में, वो गाड़ी क्या पाकिस्तानियों की गाड़ी में आग लगा रहे हैं आप। दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि जो आज आप मीडिया देख रहे हैं, उस मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही है, वो खबरें एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए दिखाई जा रही है। वो खबरें आज जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, अभी उनकी चिताओं की जो आग है वो बुझी भी नहीं थी, वो राख जो है अभी भी गर्म है, लेकिन इन लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकना चालू कर दिया है राजनीतिक दलों ने। और ये जो न्यूज़ एंकर हैं या मीडिया हाउसेस हैं, वे खुल्लम खुल्ला बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, यदि आज किसी गांव में कोई भी वारदात होती है तो उस थानेदार से पूछा जाता है कि आपने उस गांव में इस प्रकार से चोरी हो रही है यदि, या कोई आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उस गांव का जो मुखिया होता है सरपंच उस गांव का मुखिया होता है, तो सारे लोग सरपंच से पहले पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं यहां पे, व्यवस्था ना, सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हम ये सवाल जो है किसी जो गरीब जो किसान है, जो मजदूर है, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, या जो व्यापारी है, या जो छात्र है, या उस ग्राम का रहने वाला कोई भी नागरिक हो, किसी धर्म का, किसी भी जाति का हो, तो क्या हम ये आरोप उन पे लगाएंगे कि दोस्त, हम सवाल करेंगे वहाँ के थानेदार से, अगर से, दोस्तों इस देश के चौकीदार कौन है। चौकीदार जो शब्द है ये मैंने नहीं कहा था या किसी और ने नहीं कहा था, देश के जो आज प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आम चुनाव में जब वो गए थे मैदान में, तब उन्होंने कहा था, दोस्तों मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपका सेवक बनूंगा, मैं इस देश का चौकीदार बनूंगा, कहा था। तो हम चौकीदार से सवाल करेंगे ना कि आपके रहते हुए इस देश में यह आतंकी वारदात क्यों हुआ, पठानकोट और उरी और उसके बाद ये जो वारदात हुई है, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, जबकि उन्होंने गृह मंत्रालय से निवेदन किया था कि 2500 जवान उस सड़क से गुजरने वाले हैं, और 8 फरवरी 2019 को खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया था कि कहीं भी धमाके हो सकते हैं, आतंकवादी हमले हो सकते हैं। ऐसे समय में इस यह नजाकत देखते हुए हमारे जो CRPF के माध्यम से गृह मंत्रालय को यह रिक्वेस्ट किया गया था कि उन्हें हवाई यात्रा के माध्यम से उन्हें उस क्षेत्र से ट्रांसफर किया जाए, लेके जाया जाए। तो यह सवाल हमें करना चाहिए ना कि हमारे वो जवान क्यों शहीद हुए,
गृह मंत्रालय ने यदि सीआरपीएफ की ये जो मांग है, ये डिमांड अगर मान ली होती, तो क्या वो हादसा होता? ये सवाल है या नहीं है दोस्तों? तो क्या देश में जो एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, मीडिया घराने हैं, क्या ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं? वो सवाल टीवी में बैठे बैठे किसी पाकिस्तानी पूर्व सैनिक को बैठा देते हैं, उसे ऑनलाइन कर लेते हैं, और देश में एक रिटायर्ड कोई फौजी को बैठा लेते हैं, वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और एंकर भी झगड़ा करता है। अभी हम बम यहीं से फेंक देंगे ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जो सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से निवेदन किया था कि इन्हें सड़क मार्ग से ले आए जाना खतरे में है, असुरक्षा है उसमें, और जब 2500 लोग जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मंत्री भी आता है ना किसी भी एक गांव में या किसी भी शहर के अंदर में या राजधानी के अंदर में, कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो पूरी सड़क जो है खाली कर दी जाती है। और जहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और सेना के जो हमारे वरिष्ठ अफसर भी जानते होंगे कि जो घाटी है कितनी असुरक्षित है, वहाँ आतंक कैसे मचा हुआ है, फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी गई थी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि नहीं? और ये सवाल ख़त्म करने के लिए किसी भी नेता को हाय हाय करो, यही बीजेपी चाहती है, और यही बीजेपी का आईटी सेल काम कर रहा है, और यही जो है हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही कर रहा है, जिससे जो मेन सवाल है वो दब गए हैं, जो मेन मुख्य कारण है वह जो वारदात होने की वो लगता है उसे ढका जा रहा है, पर्दा लगाया जा रहा है उस पर। ऐसा क्यों? मैं देश के प्रधानमंत्री जी जब 2014 के पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, या बोलना चाहिए विपक्ष में थे, तब देश के अंदर में यदि कोई भी घटना होती थी, कोई भी आतंकी घटना घटित होती थी, तो विपक्ष के साथ साथ जो भारत का जो मीडिया है वो भी सरकार से सवाल करता था कि देश के प्रधानमंत्री कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। जब भी कोई आतंकी घटना होती थी, देशवासी सरकार के खिलाफ में रोष व्यक्त करते थे या नहीं करते थे? दोस्तों, आप ही इस सवाल का मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, या नहीं तो सोचिए थोड़ी देर के लिए। 2014 के पहले जब इस देश के अंदर में कोई आतंकी घटना घटित होती थी, तो हम सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे या नहीं करते थे? दोस्तों, बहुत बहुत ही व्यापक रूप से खड़ा किया जाता था। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता पूरे देश भर में प्रदर्शन करते थे, और मीडिया उसे कवरेज भी देता था। लेकिन आज देखिए, इस मीडिया ने कैसा जनमत बनाया है। आज यदि प्रदर्शन कहीं कहीं हो रहे हैं, जो समझदार वर्ग अगर सड़कों पर उतर रहा है, वो तो उनकी आंखें नम है, वे दुखी हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है कि किसी धर्म विशेष के लोगों को गालियां दी जा रही है। अभी मुझे बिहार से खबर मिली है कि वहाँ किसी मस्जिद में कुछ लोग पहुँच गए और भगवा झंडा लेके गए कि आप ये मस्जिद में ये भगवा झंडा लगाओ, तब इस आप हम लगेगा हमें लगेगा कि आप इस देश के सच्चे देशभक्त हो। अब इस देश आज इस मुझे ये घटना देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि तिरंगा जो झंडा है हमारा, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो बदल दिया गया है क्या? मीडिया को ये सवाल करना चाहिए ना, चाहिए सवाल सरकार पे उठाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। आप लोग राजनीतिक दलों को निशाने लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों पर, विपक्षी पार्टी के नेताओं पर हमले कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष के नेता बेशर्मों की तरह शहीदों की अंतिम यात्रा में जाकर हंसते हैं, अपने दांत निकालते हैं, तब आप उन पे सवाल नहीं करते हैं? तब आप उनकी भर्त्सना या उनकी आलोचना नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या समझूं दोस्तों मैं? इसका मतलब तो मुझे यही लग रहा है कि आप भी उन्हीं के साथ शामिल हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे जवानों की जो शहादत हुई है
वो बेकार नहीं जानी चाहिए, तो आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा हम इस देश के एक समझदार नागरिक हैं, इस देश के वो समझदार नागरिक हैं जो अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करना जानते हैं, जो सच को सच बोलना जानते हैं और झूठ को झूठ बोलना जानते हैं। वो झूठ अगर आपके परिवार का बोले तो उसका विरोध कीजिए, राजनीतिक पार्टी तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, लेकिन आप अगर ये मीडिया देखेंगे तो आप इसी प्रकार से आप अपना व्यवहार करेंगे। दोस्तों, हमारा ये चैनल बेबाक खबरें बताने के लिए प्रतिबद्ध है, सच्ची बात बताने के लिए प्रतिबद्ध है, और उन वर्गों की बात को सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिन वर्गों की बात मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन हमारे चैनल को शायद बंद कर दिया जाएगा, ऐसा हमें अंदेशा हो रहा है, हमें एक मेल भी आया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को बचाए रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में हम आपसे कोई पैसा नहीं चाहते हैं, हम सपोर्ट में सिर्फ यही चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं वे इसे देखिए और शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, और साथ में जो घंटे की बटन है उसे भी जरूर दबा दीजिए। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।